प्रदेश में 250 से ज्यादा आंगनवाड़ी वर्कर्स को बर्खास्त किए जाने के बाद सरकार फिर से कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रही है। महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा, चेतावनी देते हुए, आंगनवाड़ी वर्कर्स अगर नहीं मानी तो कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उनके मुताबिक प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर्स से जुड़े काम पूरी तरह से बाधित हो रहे हैं। विभाग के उच्चाधिकारियों से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक द्वारा कार्यकर्तियों की समस्या को हल करने का आश्वासन भी दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद आंगनबाड़ी वर्कर्स मानने को तैयार नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जब सर्वप्रथम धरने पर बैठी थी तो उनसे मेरी सर से वार्ता हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी के सर से वार्ता हुई। मैंने सदन में भी नियम 58 के तहत में प्रीतम जी ने प्रश्न उठाया था, उसमें भी मैंने आश्वासन दिया और विभाग के हर उच्च अधिकारी के माध्यम से उनसे बात और आश्वासन दोनों चीज़ें दी गई। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि 60 दिन तक लगातार वो धरने पर आश्वासन देने के बाद में भी बैठी रही। दिनेश पांडे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी, इसी पर उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। दिनेश, जिस तरीके से आंगनवाड़ी वर्कर्स आंदोलित हैं अपनी मांगों को लेकर, धरना प्रदर्शन और उसके बाद कार्रवाई की बात, एक बार फिर से चेतावनी दी गई है रेखा आर्या द्वारा। जी देखिए पंकज, लगातार जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो पिछले 50 दिनों से आसपास से धरना लगातार चल रहा है, तो रेखा आर्या ने अंतिम चेतावनी ये दी है कि जितने लोग अभी उन्होंने बर्खास्त करने के लिए नोटिस उनको दिया है, अगर वह जल्द से जल्द अपने काम पर वापस नहीं आते तो इससे कड़ा एक्शन लेने को मजबूर होंगे। हालांकि कल और 16 महिलाओं को बागेश्वर से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है उनको बर्खास्त करने का नोटिस दिया गया है, तो रेखा आर्या का ये भी कहना है कि वो इस जो फैसले को लेकर बड़े दुखी भी हैं, लेकिन राज्य में व्यवस्था को देखने के लिए, क्योंकि राज्य सरकार की कई योजनाएं ऐसी हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से जनता तक पहुंचती हैं, तो उन योजनाओं को पिछले 50 दिन से रोके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान पब्लिक को, आम जनता को देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से सरकार हर स्तर पर उनसे वार्ता करने के बाद भी अगर जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है तो सरकार ने ये डिसीजन लेने को मजबूर रही है कि उनको उनकी सेवा समाप्त की जाए, उनको बर्खास्त किया जाए। लेकिन एक बात सरकार का ये भी है कि अभी भी वो वार्ता कर रहे हैं, लेकिन अब उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इनके आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है, जिस वजह से वो जब सरकार आश्वासन दी उसके बाद भी उसको मानने को तैयार नहीं है। दिनेश, कितना वक्त हो गया आंगनवाड़ी वर्कर्स को धरना देते प्रदर्शन करते हुए, और इनकी मांगे क्या हैं और संख्या कितनी है? तो देखिए, इनके सबसे पहली मांग तो ये है कि वो चाहते हैं कि उनकी वेतन बढ़ोतरी हो, जबकि सरकार का ये पक्ष है कि महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने ये कहा कि सारे प्रदेशों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा वेतन अगर कहीं दिया जाता है तो वो उत्तराखंड में दिया जाता है। उसके बावजूद जब आपको सबसे ज्यादा वेतन यही राज्य दे रहा है और इसी राज्य में और वेतन की मांग करते हुए पिछले 50 दिनों से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो तो वो न्यायसंगत नहीं है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका वेतन बढ़ेगा नहीं, लेकिन एक सरकार को समझ चाहिए, सरकार आपको आश्वासन भी दे रही है, बावजूद इसके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले 50 दिन से धरने पर हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि कहीं दूसरी तरह से आंगनबाड़ी संचालित हो रही है, इसी वजह से जो सरकार के जो आश्वासन के बाद भी वो धरना समाप्त नहीं कर रही है, इसीलिए उनको अंतिम अल्टीमेटम दिया गया है कि आखिर वह अपना धरना समाप्त करके दोबारा काम पर लौटें, जो सरकार की योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करें, जिससे कि जो है आगे सरकार उनके बारे में सोच सके। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित रूप पर सरकार को कठोर कदम उठाना होगा। नजर बनाए रखिएगा दिनेश, फिर आएंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।